नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आईफोन मेकर कंपनी फॉक्सॉन भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट लगाना चाहती है। ताइवान की कंपनी इसे लेकर महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों से बातचीत कर रही है। फॉक्सकॉन ने कहा कि भारत में लगाए इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से दक्षिण पूर्व एशिया के इलेक्ट्रिक टू व्हीलर डिमांड पूरी होगी। ये पहली बार है जब ताइवान की किसी कंपनी ने भारत के लिए अपने ईवी प्लांट प्रोजेक्ट के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में शुक्रवार को सेना और आतंकियों के बीच हुए एनकाउंटर में 5 विदेशी दहशतगर्द मारे गए। जम्मू कश्मीर के ADGP विजय कुमार ने बताया कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। कुपवाड़ा सेक्टर में इस साल घुसपैठ की ये पहली बड़ी कोशिश है। कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि कुपवाड़ा जिले के LOC से लगे जुमान गुंड एरिया में पुलिस को आतंकियों के घुसपैठ का इनपुट मिला था। इसके बाद सेना और पुलिस की कमाइन टीम ने सर्च ऑपरेशन में इन 5 आतंकियों को ढेर कर दिया है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जयपुर में एक रिश्तेदार की महिला से रेप का मामला सामने आया है। बच्चों को दूसरे कमरे में बंद कर महिला से जबरदस्ती की, विरोध करने पर पाइप से जमकर पीटा। कालवर थाने में पीड़िता ने आरोपी रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामले की जांच SHO रविंद्र प्रताप सिंह कर रहे हैं। पुलिस ने बताया कि कालवाड़ निवासी 32 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। नौकरी की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए 5 नए मौके हैं। 12वीं पास के लिए फॉरेस्ट गार्ड के 2138 पदों पर भर्ती होने वाली है। इसके लिए अभ्यर्थी को 120 में से 30 मराठी प्रश्नों के जवाब भी देने होंगे। इंडियन नेवी ने अग्निवीर म्यूजिशियन के 35 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। जिन लोगों के पास म्यूजिक में डिग्री या डिप्लोमा है वो इसके लिए एलिजिबल है। राजस्थान में ECG टेक्नीशियन के लिए 241 पदों पर भर्ती है। 18 से 40 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में 1,70,000 से ज़्यादा पदों पर हो रही शिक्षक भर्ती के लिए 15 जून से आवेदन शुरू हो गए हैं। इसमें प्राइमरी के 79,943 पदों पर भर्ती हो रही है। 5वीं नौकरी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में है। 687 पदों में जूनियर असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर पटवारी के पदों पर भर्ती होगी। राजस्थान में 23 जून से 29 अगस्त तक 68 दिन प्रदेश में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक होने जा रहे हैं। इसमें इस बार राजस्थान के 53 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। इनमें ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए 41,48,000 से ज्यादा, जबकि शहरी ओलंपिक खेलों के लिए हिस्सा लेने के लिए 12,36,000 से ज्यादा अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। ऐसे में चुनावी साल में होने जा रहे इस अनूठे आयोजन पर सरकार द्वारा 130 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका उद्घाटन 23 जून को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।